एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के आते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी है जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकाल ले ना पाए। प्रिय बंधुओं व मित्रों, ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चले। कहानी की सीख, पहली, हमेशा अच्छे कर्म करें, और दूसरी, जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।